बिहार की माटी में जन्मे बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे ने देश में अपना और बिहार का नाम रोशन किया है। सतीश चंद्र दुबे को बिहार से राज्यसभा सांसद चुना गया है। वो निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। विधानसभा के सचिव ने उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया। राज्यसभा में सतीश चंद्र दुबे का कार्यकाल 7 जुलाई 2022 तक होगा। सतीश चंद्र दुबे के खिलाफ ना तो जेडीयू और ना ही महागठबंधन से किसी भी पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार उतारा। 2 मई 1975 को दुबे का जन्म पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। बिहार की राजनीति में उन्होंने 2010 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस साल नरकटियागंज से विधानसभा चुनाव जीतकर वो बिहार विधानसभा पहुंचे। 2014 के आम चुनावों में वो वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। वो लेबर पर बनाई गई स्थायी कमेटी के सदस्य भी रहे। बीजेपी नेता सतीश चंद्र दुबे ने 4 अक्टूबर को राज्यसभा के लिए एनडीए की ओर से नामांकन का पर्चा भरा था। इसके अगले दिन 5 अक्टूबर को पर्चे की जांच हुई, पर्चा सही पाया गया था। उन्होंने विधानसभा के सचिव एवं आयोग के निर्वाचन पदाधिकारी बटेश्वर नाथ पांडे के सामने अपना पर्चा भरा था। दुबे के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया। 9 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी नहीं किए जाने के बाद सतीश चंद्र दुबे निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। जब किसी भी पार्टी ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो सतीश चंद्र दुबे का निर्विरोध विजयी घोषित होने का रास्ता साफ हो गया। केवल औपचारिकता बाकी रह गई थी। आरजेडी के कोटे से राज्यसभा के लिए चुने गए राम जेठमलानी के निधन से बिहार कोटे की ये सीट खाली हुई थी। इसी सीट के लिए उपचुनाव कराया गया था। बीजेपी सांसद ने दोपहर 3 बजे के बाद विधानसभा पहुंचकर विधानसभा के सचिव और निर्वाचन अधिकारी बटेश्वर नाथ पांडे से जीत का प्रमाण पत्र लिया। इस मौके पर दुबे के साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रेणु देवी और विधान पार्षद संजय मयूख मौजूद थे। ये सतीश चंद्र दुबे का पार्टी में बढ़ते कद का ही नतीजा था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें वाल्मीकि नगर से मैदान में उतारा। वो पार्टी द्वारा उन पर किए भरोसे पर खरे उतरे और लोकसभा चुनाव जीत कर संसद पहुंचे। लेकिन 2019 में एक ऐसा समय भी आया जब लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव में ये सीट गठबंधन धर्म में जेडीयू के कोटे में चली गई थी। टिकट नहीं मिलने के कारण सतीश चंद्र दुबे निराश थे। उभरते हुए नेता का टिकट कटने से पार्टी भी दुखी थी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गईं। बिहार बीजेपी के नेता उन्हें मनाने लगे। इसके बाद वो लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए की ओर से प्रचार करते दिखे। सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा भेजने पर मुहर लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटने के बाद ही लग गया था। इसीलिए पार्टी ने राम जेठमलानी की मृत्यु से खाली हुई सीट के बाद राज्यसभा के लिए उन्हें मैदान में उतारा। साथ ही किसी भी दल द्वारा उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने से उनकी जीत भी पक्की कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।